Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbra that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. देखिए कैसे चलते हैं मुंब्रा में अवैध रिक्शा चालक, कहां जाए वैध रिक्शा चालक। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा में चलने वाली अवैध रिक्शाएं, उनके अवैध रिक्शा चालक दोनों एक बहुत बड़ी समस्या, ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा कारण। इसके बावजूद ट्रैफिक विभाग या आरटीओ विभाग द्वारा इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके चलते जो वैध रिक्शा चालक है, जिनके गाड़ी के कागजात ठीक ठाक हैं, बिल्कुल एकदम दुरुस्त हैं, जिनके पास लाइसेंस है, बैज है, ऐसे रिक्शा चालकों को, इन अवैध रिक्शा चालकों से कितनी तकलीफें उठानी पड़ती होगी। क्यों, किस तरीके से अवैध रिक्शा चालक जिनके पास कोई लाइसेंस बैज नहीं है, कुछ नहीं है, जिन्हें मुंब्रा स्टेशन से आगे के कौन कौन से स्टाफ का क्या क्या किराया है वो भी पता नहीं है, मगर वो रिक्शा चला रहे, क्योंकि रिक्शा वाला अवैध है। ये यहाँ पर स्टेशन से उतरने के बाद घर जाने के लिए जल्दबाजी में फंसा मुंब्रा कौसा का नागरिक या यात्री वो नहीं देखता है, वो अपने गंतव्य स्थान पर उतर जाता है और निश्चित जो किराया है वो दे देता है। मगर इस रिक्शा चालक की कैसे अवैध होने की और कैसे इस किराए के मुद्दे पर पोल खोली गई है, देखिए। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है? हाँ? लाइसेंस है तेरे पास? हाँ माँ, मास्क निकाल दो बार, थोड़ा आगे। लाइसेंस है तेरे पास? मास्क निकाल। लाइसेंस है तेरे पास? इधर देख, इधर देख। क्या ये कहा जा रहे आप लोग? शंकर मंदिर। कितने रुपए में बिठाए हैं लोग को? हाँ, तू बिठा लिया, 15 देंगे? हाँ, पता नहीं है तो क्यों बिठाया? हाँ माँ, तेरे को पता नहीं है तो क्यों बिठाया? क्यों चलाया रिक्शा? हाँ, क्यों चलाया रिक्शा? हाँ, लाइसेंस नहीं है तेरे पास, बैच भी नहीं है, रिक्शा चलाया। कितना पैसा लेना तेरे को मालूम है? हाँ, कितना पैसा लेना तेरे को मालूम है कि नहीं मालूम है? बता दूं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अपने मुंब्रा का रिक्शा ड्राइवर है, जो कि ये लोग जो आ रहे बाहर गांव से, ये लोग को कितना पैसा, कितना मतलब पैसेंजर से कितना पैसा लेना है, क्या है, लोग को कुछ पता होता नहीं। कहीं से भी बिठा लेंगे, सिलफाटे से शंकर मंदिर का 15 रुपये सीट लेंगे, ये लोग को कुछ भी नहीं पता होता है। तो इससे कैसा है, जो लीगल रिक्शा चलाने वाला होता है, जो लीगल रिक्शा चालक होता है ना, उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पैसेंजर फिर उससे झगड़ा करता है जो लीगल रहता है कि भाई हम लोग कल आए थे सिलफाटे से यहाँ तक 15 में, आप इतना पैसा ले रहे हो, आप 20 रुपया ले रहे हो, आप 25 रुपया क्यों ले रहे हो, समझे। पैसेंजर जो है ना, जो रिक्शा चालक होता, फिर उससे बहस करने लग जाता, फिर वो बात बढ़ जाती। ये लोग की वजह से कैसा पूरा माहौल ख़राब हो जाता। तो ये प्लीज़ आप ये मुद्दे पर थोड़ा आप एक्शन लीजिए। और लाइसेंस भी नहीं रहता है इनके पास, लाइसेंस नहीं, बैच नहीं, ठीक है। रात में रिक्शा लेके निकलते, उस वजह से भी ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता मुंब्रा में, ठीक है। अभी क्या चाहे, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, वो रात में वो ट्रैफिक हवलदार लोग रहते नहीं, कोई नहीं रहते, ये लोग लेके निकल जाते हैं मन मर्जी से, अपनी जो मन मर्जी जैसे भाड़े लेते। पैसेंजर फिर मैनिपुलेट हो जाता, फिर वो अपने हिसाब से फिर हम लोग से बहस करता, जो रिक्शे वाले रहते उनसे बहस करता, ठीक है। थोड़ा आप इस पर थोड़ा आवाज़ उठाएंगे तो अच्छा रहेगा।